नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2023 के परिणाम जारी कर दिए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इसी सपने को भिलाई नेहरू नगर में पुजारी के बेटे रूपम मिश्रा ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर सच कर दिखाया है। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले रूपम मिश्रा ने अपनी लगन से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। भिलाई के गुदड़ी के लाल ने एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर ये बता दिया है कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं। जी हां, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रूपम मिश्रा, जो कि नेहरू नगर कालीबाड़ी निवासी है, वह रूपम के पिता मंदिर के पुजारी हैं। रूपम ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से कोचिंग कर नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर माता पिता के साथ संस्थान का नाम रोशन किया है। रूपम की इस उपलब्धि पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उन्होंने रूपम का मुंह मीठा कराकर आशीर्वाद दिया। जब हमने पूछा कि रूपम की सफलता का श्रेय किसे देते हो, तो उन्होंने रूपम की मेहनत, भगवान का आशीर्वाद व सचदेवा कोचिंग संस्थान को इसका श्रेय दिया। बहुत अच्छा किया है, बहुत मेहनत किया वो। खुशी के मारे कुछ बोल पाना ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार से हैं। हम लोग का बच्चा को इतना, हम लोग फिजिकली जो कुछ भी किया उन्होंने अच्छा ही किया, और कोचिंग उन्होंने सचदेवा में एक साल किया है, बहुत ही अच्छा नतीजा रहा, जिसकी वजह से आज ये नतीजा हमको देखने को मिला। बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से भिलाई का सबसे अच्छा कोचिंग संस्थान है और सबसे पुरानी संस्थान है। सारे बच्चों को वहाँ पढ़ना चाहिए और अच्छी रिजल्ट नतीजा करना चाहिए। बस बच्चा आगे भविष्य उसका अच्छा हो, अच्छी डॉक्टर बने, आप लोग की आशीर्वाद बना रहे सबका। भगवान है तभी तो ये सब सफल हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी NTSC जैसा परीक्षा में सफल हुआ था और आज भी नीट में बहुत ही अच्छी नंबर के साथ सफल हुआ है। ये तो भगवान की कृपा है, साथ में बच्चे का लगन है और आप लोग जैसे कोचिंग संस्थान का सहयोग है, तभी जाके संभव हो पाया है। इंटेलिजेंट है, दिन रात एक करके पढ़ा हुआ है। हमको आशा था कि वो नेट में बहुत अच्छे नंबर से, मेरे गर्व अनुभव हो रहा है, मेरे कोरोना आ रहा है, आंसू आ रहा है कि हमारे खानदान में आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बन पाया था। भगवान से कृपा कर प्रार्थना करता हूँ कि तो बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़े डॉक्टर बने। और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ सचदेवा PT कॉलेज को, और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जैन साहब को कि उनका पढ़ाई इतना ज़ोरदार था, इतना अच्छा था कि हमारे भतीजा बहुत आगे, बहुत अच्छा नंबर, 610 नंबर प्राप्त करके आज बहुत ऊंचाई में, ऊंचाई की भर प्राप्त हुआ है। इसके लिए सचदेवा कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भतीजा और आगे बढ़े, बहुत सुंदर, बहुत बड़े डॉक्टर बने। वहीं इस प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले व माता पिता को गौरवान्वित करने वाले होनहार छात्र रूपम ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। मेरा नाम रूपम मिश्रा है। बहुत खुशी हो रही है नीट में 610 नंबर प्राप्त करके। फिजिक्स के सवाल काफ़ी कठिन आए थे इस साल, जिनमें काफ़ी उलझन हुई, परंतु सचदेवा के टीचर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने क्लास में ही कह के रखा था कि ऐसे सवाल आ सकते हैं जिनमें हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने प्रिपरेशन के टाइम ही अच्छे से उन सवालों को कर लिया था। काफ़ी अच्छा लगेगा, सबकी मदद कर पाऊँगा, काफ़ी अन्य अन्य रोगों का चिकित्सा भी मैं कर पाऊँगा, इससे बहुत खुशी मिलेगी मुझे। दूंगा कि हमें कंसिस्टेंसी की है इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, इसलिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर लें, जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं उनको दोबारा घर पर आके प्रैक्टिस करें और NCERT की कंटिन्यू रीडिंग लगाते जाएं, तो सक्सेस मिल जाएगी। जैन सर का हमेशा से ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हम NTSC भी जब मैंने क्लियर किया था तो उन्होंने ही मेरी मदद की थी, और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मदद करते हैं। भिलाई में बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका, सचदेवा न्यू PT कॉलेज, और मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करूँगा। प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, और दृढ़ संकल्प व मेहनत की जाए तो सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रूपम मिश्रा के उज्जवल भविष्य की कामना लिए संस्थान सचदेवा न्यू PT कॉलेज के द्वारा उसे उपहार दिया गया। हम भी शुभकामनाएं रूपम मिश्रा को देते हैं, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।